शिव शिव बाहर निकल वो मर जाएगी। शिव बेटा कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इस घर में बंद रह रहे के भड़बड़ा के मर जाओ। वो मुझे मारना चाहती है। एक अच्छी माँ जब बच्चा उसका कोई सही काम करता है तो उसकी बड़ी सराहना करती है, लेकिन जब बच्चा गलत काम करता है तो उसके लिए उसे थोड़ा डांट भी देती है। तो एक अच्छी माँ बच्चों को बहुत सारा प्यार देती है पर चुटकी भर डांट भी देती है साथ में। सो इतना पछताने वाली कोई बात नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, चिंता मत कर। तुम लोग बस एक दूसरे के पीठ थपथपाते रहो। तुम लोग को तो आइडिया भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे पीठ पे छुरा नहीं तलवार भोंकने की पूरी तैयारी कर ली है। शिव बेटा तुम रो रहे हो बच्चा? चाची देखो ना, उसने मुझे स्कूल भी जाने नहीं दिया। मैं रेडी भी था, ऊपर से उसने मुझे डांटा भी। पता है मुझे हिट करने वाली थी। मत रो बच्चा, मत रो। नहीं, मैंने तो स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी थी जो आपने लाई थी, वाटर बॉटल भी पहनी थी। उसने मुझे नहीं जाने दिया, बड़ी चला गया, एग्जाम भी देगा, मैं कुछ नहीं कर रहा। कोई नहीं बेटा, रोना मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, आंख बंद करो। हाँ अब खोल। वाह बटरफ्लाई, बेटा इस वक्त तुम्हारी जिंदगी भी ना इस बटरफ्लाई के जैसे हो गई है। डिब्बे में बंद। चाची से बाहर निकालो वो मर जाएगी। चाची बाहर निकालो वो मर जाएगी। बेटा इसे भी उसी लड़की ने बंद किया जिसने तुम्हें इस घर में बंद करके रखा है। चाची उसे बाहर निकालो वो मर जाएगी। देखो मर गई। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इस घर में बंद रह रहे के भड़बड़ा के मर जाओ। वो मुझे मारना चाहती है।